मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कही जाने वाली नर्मदा नदी के संवर्धन और संरक्षण के लिए एक महान तपस्वी दादा गुरु के द्वारा पिछले करीब 3 सालों से अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया गया है। वह केवल एक लोटा नर्मदा जल पर आश्रित हैं और करीब 25 किलोमीटर पैदल भी चल लेते हैं। उनकी यह शक्ति राज है। लेकिन उन्होंने बताया कि जिस तरह से लोग अन्न से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसी तरह वह प्रकृति के जुड़ाव से, मिट्टी के जुड़ाव से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए ना उन्हें थकान होती है ना कभी कमजोरी महसूस होती है। वह एम्स में भी दिखा चुके हैं, वहाँ के डॉक्टर भी हैरान रह गए। बता दें कि दादा गुरु 1058 दिन यानी कि 2 साल 11 महीने से निराहार हैं, केवल एक लोटा जल दिन भर में लेते हैं। नर्मदा सेवा तो इस कठिन संकल्प के बिना भी की जा सकती थी, तो कैसे विचार आया इसका? देखिए, ये व्रत कहते ना कि एक गुरु का, एक संत का एक जीवन रहता है, ये साधना हमारा जीवन है और इसमें ये दुनिया के लिए कठोर हो सकती, हमारे लिए बहुत आनंद है। और अब अभी हम सागर में हम काफ़ी समय से है, तो देखो कितने आनंद से हम बैठे हैं, हमें किसी प्रकार का कोई थकान नहीं, हमें किसी प्रकार का कोई कमजोरी नहीं। हम यही दुनिया को व्रत के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जो अपनी माटी के समीप है, जो अपनी प्रकृति के समीप है, वो सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित उसी का जीवन है जो अपनी माटी से जुड़ा है, जो अपनी प्रकृति से जुड़ा है। नहीं, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सब प्रकृति पर केंद्रित है, धर्म धरा से अलग नहीं है, धर्म पर ही केंद्रित है। जिसको हम सनातन बोल रहे, धर्म बोल रहे, संस्कृति बोल रहे, वो प्रकृति पर केंद्रित है, वो गंगा नर्मदा पर केंद्रित है। और सिर्फ धर्म ही आधारित नहीं है, हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारा विकास सब कुछ इस धरा पर, गंगा पर, नर्मदा पर, इन अभ्यारण्यों पर केंद्रित है। तो धर्म को और धरा को और इन नदियों को अलग ना जोड़े, ये तो इनसे अस्तित्व है हमारे जीवन का, हमारे धर्म का पहचान है, हमारा अस्तित्व है। तो माटी को, पानी को अलग ना देखे, यदि कोई माटी को या जंगलों को बचाने की बात कर रहा है तो धर्म आपका अलग हो गया और ये अलग व्यवस्था है, नहीं, ये तो एक दूसरे का पूरक है, इनके बिना एक दूसरे का कोई पहचान ही नहीं। खंड हो, विंध्य का परिक्षेत्र हो, धीरे धीरे सभी जगह पर मिट्टी जो है वो खत्म होती जा रही है। कहीं ना कहीं गलत जीवन शैली के कारण, हमारी जो गलत जीवन शैली है उसके कारण धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो साधन संसाधनों का अंधाधुंध दौड़ है, जिसमें हमने प्राकृतिक संसाधनों को, इन अभ्यारण्यों को, जंगलों को, नदियों को कहीं ना कहीं हमने मिटाने का काम समाज ने किया, उनको दूषित करने का काम किया। अब मिट्टी बुंदेलखंड की हो या अलग प्रांत की हो, धीरे धीरे पत्थर हो रही है, बंजर हो रही है और खत्म हो रही है। फिर तो उसका पैटल से जमीन खिसक जाएगी कि वायु में रहते, अब जलकोश में भी नहीं रहते, अब कभी कभी हम क्या करते हैं, वायु पर रहते हैं, वायु कोश। अब उसको वो भौतिकवाद में, वो कामना वासनाओं में लिप्त, साधन संसाधनों में आसक्त, वो उस प्रकृति की समर्थता को कैसे जानेगा, नर्मदा की, गंगा की, माटी की। लीला सुनी है, मुख में मिट्टी को रख के ब्रह्मांड दिखा दिया। बात इतनी नहीं है, जो माटी से जुड़ा है, जो गंगा और नर्मदा की समर्थता है, इस धरा ने, भैरू ने, गंगा नर्मदा ने विश्व गुरु बना दिया। इसकी ताकत है, ये शक्ति है। तो बड़ा आश्चर्य, 11 के बाद हम फिर परिक्रमा, हमारा अखंड है, बढ़िया। ज्ञानी जन मिले परिवार को तो उसको आमंत्रण दो कि देखो सत्य को जानना है कि कैसे 25 किलोमीटर होता है, कैसे जल पर, थोड़ा जी कर देखो, चलो 2 दिन रहो, 4 दिन रहो, सुबह से लेकर शाम तक चलोगे, रहोगे, अपने आप सत्य प्रकट हो जाएगा।